बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के रहेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मनाजिर नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है। देश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करे। अगर 24 घंटे से पहले पहले रिजाइन नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के अंदर उसी तरह के दंगे भड़काए जाएंगे। अब तुरुप का इक्का खुलता है और एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। ये कौन है? ये तो राहुल गांधी है। इसके साथ कौन है? ये कि जब आप अपने जमीर का सौदा कर देते हैं तो फिर आप कौमों को कयास की तरफ लेके चले जाते हैं, जिसके लिए भूल तारीख आपको कभी माफ नहीं करती। अब क्या मुसीबत आ गई है बांग्लादेश में? क्योंकि जमात इस्लामी को और हिजबुल तहरीक को उसको प्रॉपर पाकिस्तान बनाना है। इस पूरे रीजन में अगर आप देखें तो एक ही पाकिस्तान और दोनों जुड़वा भाई जो हैं वो सिर्फ बस वही पीछे रह गए हैं, एंड दे जस्ट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। गल्फ कंट्रीज ने रियलाइज कर लिया है, सऊदी, इवन सऊदी अरेबिया में इस वक्त जो है वो एक पूरे का पूरा फैशन शो वहां पे हो रहा है। ये तो उलमा का काम है कि बैठें कि यार ये क्या, ये वाकई देखो कुरान पाक में है कि लागर ऊंटनियों पे और कश्तियों पे बैठ के आओ हज के लिए। अब कौन कश्तियां और लागर अब हम इस्तेमाल करते हैं वो चीजें? कुरान पाक में है कि अपने घोड़े तैयार रखो। अब पाक फौज घोड़ों पे बैठ जाए, घोड़ा सिंबल है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट सर? चीमा साहब, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, इस समय बांग्लादेश के अंदर फिर से एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, जिसमें अब बांग्लादेश के स्टूडेंट्स बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिर से इन सभी प्रोटेस्ट के बीच जो इसकी सबसे बड़ी गाज गिर रही है बांग्लादेश के अंदर, वह है वहाँ की जो माइनॉरिटी है, वहाँ के हिंदू लोगों के ऊपर, जो कि अब लगभग एक ट्रेंड सा बन चुका है। जब भी कभी इस रीजन के अंदर, खासतौर से पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई भी कारण हो, कोई भी झगड़ा हो, ये लोग अपने यहाँ के जो माइनॉरिटी हैं खासतौर से हिंदुओं के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि जो इनकी मानसिकता बनी हुई है कि जो हमारे किताब में कहा गया है कि जो भी काफिर हैं मौका मिलते हैं उनको अपने धर्म में बदल दो, नहीं तो उनको मार दो। हालांकि जिस पर कई मुस्लिम बुद्धिमान भी मानते हैं तो पुराने समय की बात थी, उसमें जो लिखा हो उसको लिटरली नहीं ले सकते आज के ज़माने में, और हमें आज के ज़माने के साथ चीज़ों को इंटरप्रेट करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक दूसरे मुस्लिम विद्वान ये भी मानते हैं उनके धर्म में जो लिखा हुआ है वो कभी बदल नहीं सकता, जो उसमें कानून है, जो उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई है उसको फॉलो करना चाहिए हर मुसलमान को। लेकिन आयरनी ये भी है, ऐसा कहने वाले भी आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और बोलते हैं कि जो उसमें लिखा हुआ उसको एज इट इज फॉलो करना चाहिए। मैम, पहला सवाल ये है कि प्रेसिडेंट को क्यों हटाया जा रहा है? अब क्या मुसीबत आ गई है बांग्लादेश में? देखिए, प्रेसिडेंट को हटाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक राष्ट्रपति हैं बैठे हुए बांग्लादेश में, तब तक बांग्लादेश में संविधान चलाना ही पड़ेगा, और ये संविधान का सिनेरियो लेकर चलना ही पड़ेगा मोहम्मद यूनुस को भी, या जमात इस्लामी जो मोहम्मद यूनुस को पपेट बना करके पाल रहा है, ये एक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो फिर से उन्होंने वो सीन क्रिएट किया है कि एक बार अगर बांग्लादेश के राष्ट्रपति अगर रिजाइन कर देते हैं तो संविधान साइड में फेंक करके और पूरा हिजबुत तहरीक, पूरा शरिया कानून, वो अपने इस्लाम के तरीके से कलमा पढ़ने वालों को पद पे बैठाएगा और हिजबुत तहरीक और भी खुल करके अपने जिहादी एक्टिविटीज को पूरा करेगा। क्योंकि जमात इस्लामी को और हिजबुत तहरीक को उसको प्रॉपर पाकिस्तान बनाना है। और कुछ ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जिन्होंने ये कहा था मीडिया के सामने आकर के और अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि आईपीएस ऑफिसर बांग्लादेश में वो नहीं होगा जो आईपीएस की पढ़ाई पढ़कर आया होगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ सकता है वो आईपीएस के चेयर पर बैठेगा। तो 90% हिंदू जो पद पर बैठे हुए थे, जो प्रोफाइल पर बैठे हुए थे, उन्होंने रिजाइन करना सही समझा 90% ने, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ढाका नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल से बांग्लादेश में छोटा शकील के मेंबर और कुछ पाकिस्तानी जैश मोहम्मद के मेंबर अरेस्ट हुए थे 2007 में और उसके बाद 2011 में भी। क्यों अरेस्ट हुए थे? इंडियन फेक करेंसी नोट छाप रहे थे और शेख हसीना की सरकार ने उनको धर दबोचा। अभी 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 बहुत सारे राज खुलने बाकी है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा।
क्या रिश्ता है जैश मोहम्मद पाकिस्तान की सरकार और छोटा शकील का? दाऊद इब्राहिम का तो भाई चेला ही रहा है, सबको पता है छोटा शकील। क्यों छापता है आप, क्यों छापते हैं ये लोग इंडियन करेंसी? अब तुरुपका इक्का खुलता है, अब तुरुपका इक्का खुलता है। और एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। क्या भारत में कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो भारत का बुरा करने के लिए और अपने आप को सत्ता पर बैठाने के लिए इतना बावला हो चुका है कि वो भारत देश का बुरा करने के लिए उन लोगों से मुलाकात कर रहा है जो भारत के विरोध में हमेशा से रहे हैं? अब एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कौन है ये? एक को तो शायद दुनिया पहचान रही होगी, दूसरे का इंट्रोडक्शन मैं दूंगी। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? मैं नहीं पहचान पा रही। ये कौन है? ये तो राहुल गांधी है। इसके साथ कौन है? ये नहीं पहचान रही, आप नाम बोल दे, कौन है ये? ये है मुश्फिकुल फजल अंसारी, खालिदा जिया का पॉकेट दलाल और जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा व्यक्ति और हिजबुत तहरीक को चलाने में पैसा लाने वाला एक बहुत बड़ा मेंबर। अब खालिदा जिया ने इसको, खालिदा जिया हमेशा चाहती थी कि शेख हसीना हटे और वो सरकार पर फिर से बैठे, और खालिदा जिया ने ही जमाते इस्लामी को प्रोवोक किया था, और खालिदा जिया ने ही वो छात्र आंदोलन स्टार्ट करवाया था। लेकिन अचानक से खालिदा जिया गायब हो गई, हालांकि खालिदा जिया को जेल से भी बरी करवा दिया गया, लेकिन अचानक से हिजबुत तहरीक और जमात इस्लामी को लगा शी इज अ वेरी पावरफुल वुमेन। और हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम पुरुष पावरफुल वुमेन से हमेशा बहुत भयभीत रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं। इसलिए उन्होंने मोहम्मद यूनुस को पकड़ा और उसको पपेट बना करके इंटरिम सरकार का वजीर आजम बनवा दिया। लेकिन चाइना बहुत खेल रहा है, चाइना की नेवी आ गई हुई है बांग्लादेश में। एक तरफ चाइना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है क्योंकि अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस को वो भी समझ रहा है, क्योंकि तकरीबन दो डेकेड के बाद चाइना की इकोनॉमिकल क्राइसिस घटी है। हाँ, कह रहे चाइना बूढ़ा हो रहा है अब। चाइना के कैबिनेट मिनिस्ट्री में आलोचना हुई है कि दो डेकेड के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी ट्रीटी और उनके बायलेटरल रिलेशंस जो है वो डैमेज और डेवेस्टेट होते चले जा रहे हैं और भारत की इकोनॉमी बूस्ट करती चली जा रही है। ठीक है, अब चाइना को ऐसा लग रहा है कि अब इस तरीके से बिजनेस टर्म्स के तरीके से तो हम भारत को हरा नहीं पाएंगे, तो चलो बांग्लादेश को प्रॉपर पाकिस्तान 2.0 बना करके हर वक्त भारत को हम परेशान करते रहे। और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हिंदूज को वहां पर अत्याचारित किया जा रहा है वैसे वैसे हमारी आंखें रो रही हैं, हमारे दिल में तकलीफ हो रही है। तो मैं इन तरफ अब छोटे में आपको यही बताऊंगी कि दिस इज द हाई टाइम कि शेख हसीना को अब लौटना चाहिए और भारत की आर्मी को अब बांग्लादेश में एंटर करना चाहिए, यूएन को इंटरवीन करना चाहिए